हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट टू। इससे पहले हमने 56 क्वेश्चंस पार्ट वन में कवर कर लिए हैं, तो रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, रोम क्या है? रोम के अंदर केवल सूचनाओं को मात्र पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। रोम क्या है? एक मेमोरी है हमारी। रोम इज अ काइंड ऑफ अ मेमोरी। डेस्कटॉप आइकन्स क्या है? डेस्कटॉप आइकन्स क्या होते हैं? जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं वो आइकन्स कहलाते हैं, और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करता है कि हमारे डेस्कटॉप पर कितने आइकन्स रहेंगे, वो हमारी कंप्यूटर सेटिंग के अकॉर्डिंग होता है। स्टार्ट मेन्यू क्या है? स्टार्ट मेन्यू क्या है? स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट का बटन होता है, जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन और लॉग ऑफ का कार्य करने में आता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश प्रदान किए जाते हैं। HTML का विस्तृत रूप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। MS वर्ड के जनक कौन है? कौन है MS वर्ड के जनक? MS वर्ड के जनक विलियम हेब्रेरी गेट्स 3 हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया है। वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं? किन्हीं दो के नाम बताइए। वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से भी अधिक सर्च इंजन कार्यरत हैं। इनमें से प्रमुख हैं गूगल, याहू। किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम बताइए। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के हमें यहाँ पर नाम बताने हैं। फर्स्ट है बेसिक, कोबाल, सी, C++, पास्कल। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, बट ये मेन और सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयरों के नाम लिखिए। चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर हैं MSN और याहू मैसेंजर। फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है? MCQs में भी हमने ये डिस्कस किया था कि कितनी होती है ट्रायल पीरियड की वैलिडिटी, 30 डेज। तो किसी भी फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरस की कार्य अवधि 30 दिन होती है। कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए। तो फाइल संबंधी वायरस कौन से हैं? 648 वायरस, रेनड्रॉप वायरस, लीलॉर्ड वायरस एंड ट्रोजन। 1024 GB किसके बराबर होता है? अभी तक वो पूछा था कि मेगाबाइट किसके बराबर होता है, अभी पूछा है गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो 1024 GB होता है 1 TB के बराबर। ये क्वेश्चन उलट के भी आ सकता है कि 1 TB कितना होता है, तो 1 TB बराबर 1024 GB। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक जाल है, जो कि भौगोलिक रूप से पृथक पृथक रखे हुए होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो कि जुड़े हुए हैं एक साथ और डिफरेंट लोकेशंस पर हैं। MS आउटलुक क्या है? यह माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैसेंजर है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में क्रियान्वित है। कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी के किन 2 मुख्य रूपों में प्रयोग होता है? नाम बताइए। कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग 2 मुख्य रूप से किया जाता है। गूगल ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने हेतु, माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने हेतु। वर्तमान में पैकेजेस के कितने प्रकार कार्यशील हैं? वर्तमान में पैकेज के मुख्य रूप में निम्न प्रकार कार्यशील हैं, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज, डाटाबेस पैकेज। ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है? तो ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेस।
वर्कशीट किसे कहते हैं? टूल बार के नीचे एक बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है उसे वर्कशीट कहते हैं। कॉपी करने तथा पेस्ट करने की एमएस ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट कौन सा यूज करते हैं हम पेस्ट और कट के लिए? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, और कट करने के लिए यहां पर नहीं है लेकिन कट करने के लिए Ctrl+X यूज करते हैं। याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ? याहू सर्च इंजन का प्रारंभ वर्ष 1994 में हुआ। याहू मेल को संक्षेप में समझाइए, तो इलाबरेट करना है। यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को किसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। जैसे हमारा जीमेल मेल भेजने के लिए होता है वैसे ही याहू मेल है। वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। स्टार राइटर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, ये हमारे वर्ड प्रोसेसिंग के टाइप्स हैं। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या है? कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या है? भावनाहीन, आसूचना विहीन, गति, सस्ता आदि। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है? तो कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है, इसकी गति कुछ मंद होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है, इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती, इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। माउस क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है, इसमें दायां तथा बायां दो बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है जो इसे क्रियान्वयन में मदद करता है। माई नेटवर्क प्लेस क्या है? माई नेटवर्क प्लेस द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स तथा फाइलें देख सकते हैं। टूल बार क्या है? टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिनसे कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। कंप्यूटर के जनक कौन थे? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बाबेज थे। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पीडीएफ का विस्तृत रूप क्या है? पीडीएफ का विस्तृत रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। होम पेज क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। आपने कोई साइट खोली और जो फर्स्ट पेज आपको दिख रहा है वही होम पेज है। वैन का पूरा नाम बताइए, तो वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। ब्राउजर किसे कहते हैं? ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। यूआरएल का पूरा नाम बताइए, यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल अकाउंट क्या है? ईमेल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें संदेश जो कि ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है होता है। मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है? मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता 1 MB से 256 MB होती है। डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि है। माय कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? माय कंप्यूटर एक डिजिटल फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है। इसमें डिस्क, ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। यहाँ पर डाटा डिफरेंट फोल्डर्स में सेव रहता है। रिसाइकिल बिन किसे कहते हैं? डस्टबिन, रिसाइकिल बिन। रिमेम्बर, रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज उन आइटम्स को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में समय काल कब से कब तक का था? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में समय काल 1942 से 1955 तक का था। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलम्स की संख्या कितनी होती है? जो वर्कशीट होती है हमारी उसमें कितने कॉलम्स होते हैं? उसमें 16,384 कॉलम्स होते हैं, 16,384। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस तथा ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशील ढंग से किया जा सकता है।
एमएस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? एमएस पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है भाई? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम DBMS। IPO का पूरा नाम लिखिए। IPO का पूरा नाम क्या है? इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। हेयर आई रेस्ट माई वीडियो स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, गुड लक।